हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक किराना का दुकान करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो किराने का होलसेलर आप कैसे बन सकते हैं। क्या आप होलसेल का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई रिटेल शॉप है मार्केट में जिसे आप होलसेल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग पुराने हो जाते हैं किराना स्टोर में, काफ़ी कस्टमर बन जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते तो हैं, बट अगर आप उसे रिटेल में बेचेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें अगर 10 से 20 या 50 कस्टमर ऐसे मिल जाएं जो खुद छोटी दुकान गांव में करते हैं, वो आपसे कनेक्ट हो जाएं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। पहली बेनिफिट तो ये होगा कि जो आप प्रोडक्ट अच्छे रेट में खरीदते हैं वो आप उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे। 3 से 5% रख के उन्हें आप देते हैं, ठीक है। प्लस वही प्रोडक्ट अगर एक ग्राहक को देते हैं तो आपको 8 से 10% एक्स्ट्रा मार्जिन निकल के आती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप नए में स्टार्ट करना चाहते हैं किराना होलसेल, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी मार्जिन होती है, ठीक है। तो पुराने हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए आपके यहाँ चीनी आप एक बोरा खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर आप चीनी 10 बोरा खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप बिस्किट एक पेटी में खरीदते हैं तो अगर 5 से 10 पेटी में जाएंगे तो आपको स्कीम अलग से मिलेगी। किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो अगर होलसेल स्लैब में जाते हैं तो 1.5% आपको मिल जाता है, ठीक है। और वहीं अगर आप रिटेल में रहते हैं तो कम मार्जिन मिलती है, तो वहाँ से आप जो उठाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन वो सीधे ग्राहक को देंगे तो आपको डबल मार्जिन होगी, ठीक है। और वहीं अगर आपसे एक होलसेल मतलब रिटेलर जुड़ जाता है तो आपकी जो रोलिंग होगी, जो आपकी टर्नओवर होगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर आप एक पुराने किराने की दुकान है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप अच्छे खासे किराने की दुकान करते हैं तो 1,00,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा उसमें डाल देंगे तो आप होलसेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है उसी प्रोडक्ट को आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदिएगा, ठीक है। दूसरी, नए लोग अगर आप नए जो लोग हैं और वो किराना का होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो एक अच्छी जगह आप देख लें मार्केट में कहाँ पे आपको अच्छे से, वो आप अपने लोकल मार्केट में जरूर रिसर्च कर लें कि कहाँ हमें अच्छी दुकान हमारी चलेगी, ठीक है। ये आप अपने लोकल मार्केट के हिसाब से ही करना होगा, ठीक है। यहाँ से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लें जहाँ पे कम सस्ते से सस्ते रूम में आपकी जो लोकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो फर्नीचर में आपको अगर बात करें अच्छी खासी अगर जगह है तो भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा फर्नीचर में। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि कितना आप प्रोडक्ट को उसमें माल यानी परचेज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। आपके हर चीज़ के स्टॉक को खरीदना होता है तो जिसमें आपको पैसे भी लगाने पड़े। और जब आप होलसेलर बनते हैं और 2 लाख में बनते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बहुत कम है। जरूर दोस्तों, हमेशा बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वो कम पैसे में करने चाहिए, ठीक है। जिस क्योंकि जैसे आप होलसेल का स्टोर आपने ओपन किया तो दूसरे दिन से आपके यहाँ लाइन नहीं लग जाएगी, क्योंकि बिजनेस को आपको स्टैंड करने में 5 से 6 महीने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर दी तो अगर मान लीजिए ग्राहक आपसे लेट से बनते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा दिन के हो जाएंगे, तो कुछ प्रोडक्ट ख़राब भी होने लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कंपनी से निकलेगा सीधे आपके यहाँ आ जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट के आप पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा लो कॉस्ट में आप शुरू करिए। जैसे ही आपके साथ दुकान वाले जुड़ते हैं, रिटेलर जुड़ते हैं, वैसे जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग होती है उसे आप ज़्यादा खरीदना शुरू करिए, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा वहम होता है लोगों को कि ये जो प्रोडक्ट होता है बहुत दूर से मंगाया जाता है। आपके मार्केट में हर कंपनी के एजेंसी वाले होते हैं, आपके मार्केट में नहीं तो आपके बगल वाले मार्केट में होंगे, जो आपको खुद माल ले आके पहुँचाएंगे। हफ्ते में 1 चक्कर 2 चक्कर वो सब किराने स्टोर पे प्रोडक्ट को अपने पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई कोई तो डेली आता है, ठीक है, जैसे ब्रेड वाले हो गए या फिर उनके पास और भी प्रोडक्ट है तो वो डेली आपके यहाँ आते हैं। तो जब डेली या हफ्ते 2 दिन में आपको प्रोडक्ट आपके लोकल से अवेलेबल हो जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की क्या ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको आप स्टॉक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वो भी स्टॉक आप 1 हफ्ते का या 15 दिन का लेके चल सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टॉक करने का मतलब आपके जो पैसे उसमें फंसे हैं उससे अच्छा है कि कोई प्रोडक्ट और आप रख दें, ठीक है, कई रेंज, क्योंकि होलसेल में रेंज बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास रिटेलर आएगा,
अगर उसने 50 सामान बोल दिया तो कम से कम 40 से 45 प्रोडक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है 40 का लिस्ट उसने बना के लाया और 10 प्रोडक्ट मिले, तो 30 प्रोडक्ट वो लेने के लिए किस कहीं और जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो। होलसेल में कितनी मार्जिन होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। होलसेल में दोस्तों अगर हम मार्जिन की बात करें आज की डेट में तो मैक्सिमम आपको 5% मिलने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप 5 से 6% मार्जिन ले सकते हैं, और मिनिमम अगर बात करें तो 2%। तो होलसेल में मार्जिन बहुत कम है, स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं नज़र आएगा, ये क्लियर कट बात है, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जब आपके साथ ग्राहक जुड़ जाएंगे, जब आपका टर्नओवर फास्ट होने लगेगा, यानी महीने के आप 10 लाख 20 लाख या मतलब 20 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख जब आप बेचने लगते हैं प्रोडक्ट, तो मान के चलिए आप महीने में 15,000 20,000 25,000 स्टार्टिंग फेज में आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे आप पुराने होंगे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा सारी चीज़ें, तो आप मास्टर हो जाएंगे यार, पहले शुरू तो करिए, ठीक है। और भी कोई आपका सवाल है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप कमेंट करिए, तभी तो हम जानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम पे हम वीडियो बना के आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो कुछ भी हम बताने की कोशिश किए हैं अपनी तरफ से वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।